बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल को बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनके बारे में बिहार सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के अगले आदेश तक एसके सिंघल को प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि एसके सिंघल की सिवान डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन को सजा दिलाने में अहम भूमिका रही है। बिहार के गृह विभाग की तरफ से शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर एसके सिंघल एडीजी मुख्यालय का पदभार संभालेंगे, जिन्हें जनवरी में ही महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया गया था। सिंघल को बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी के एडीजी रूप में नियुक्त किया गया था। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक खबर की माने तो बिहार पुलिस में एडीजी मुख्यालय का पद अहम है, क्योंकि डीजीपी के बाद इसे दूसरे नंबर का पद माना जाता है। एसके सिंघल उन 14 आईपीएस अफसरों में शामिल है जिनके तबादले किए गए हैं। सिंघल 1996 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर सिवान के डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हमला किया था। उस दौरान वो वहां पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के तौर पर मौजूद थे। 2007 में एक विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को एसके सिंघल पर हमले के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। एडीजी मुख्यालय के रूप में सिंघल की नियुक्ति अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि शहाबुद्दीन को हाल में ही राज्य सरकार की पहल पर सिवान से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। एसपी के तौर पर 1996 में एसके सिंघल ने शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के दरौली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी सक्रियता और कार्रवाई के चलते आखिरकार शहाबुद्दीन को कोर्ट ने दोषी ठहराया। पुलिस मुख्यालय में सूत्रों का कहना है कि एसके सिंघल एडीजी के तौर पर नियुक्त करके राज्य सरकार ने जिलों के पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात अधिकारियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इधर गुप्तेश्वर पांडे ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। बहुत चुनौती का समय हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन बिहार के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती ये है कि देश में एक संवैधानिक प्रावधान के तहत बिहार ही ऐसा प्रांत है जहाँ कोरोना के काल में चुनाव का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। उस संबंध में व्यापक तैयारियां की गई हैं। पुलिस को क्या क्या करना पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के 4-5 इम्पॉर्टेंट ड्रिल हैं जो सामान्य रूप से हम लोग चुनाव के पहले करते हैं, जैसे कुर्की जब्ती का निष्पादन, वारंट का निष्पादन, और जो चुनाव उपद्रवी तत्व हैं, जो उपद्रव फैलाते रहते हैं जिनका हिस्ट्री, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करना, जो हिंसा फैलाने वाले तत्व हैं उन लोगों को सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ CCA की कार्रवाई करना, और उपद्रव फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई 107, 151 इत्यादि की कार्रवाई करना, इसके अलावे जो इलेक्शन से रिलेटेड केसेज हैं उनका निष्पादन कराना चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव आता है तो उसकी मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावे सामान्य विधि व्यवस्था, और चूंकि ये चुनाव बहुत कठिन परिस्थितियों में हो रहा है, बूथों की, मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना से जो भी एहतियात बरतते हुए लेना है, तो किस तरह से मतदाता जो जाएंगे उनको किस तरह से ग्लोव, सैनिटाइजर इत्यादि वो सब की व्यवस्था होगी, सारे पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी संबंध में विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मैं रोहतास गया था। रोहतास से मैं कैमूर गया था, वहाँ SP और DIG के साथ बैठक गया, और वहाँ से करके मैं बक्सर से, यहाँ से मैं पटना लौट रहा हूँ। बस यही है, और कुछ पूछना है सर? एक ये है कि आपके YouTube और Twitter पर जिस तरह से फॉलोअर बढ़े हुए हैं, और पिछले जो मुंबई मामलों को लेकर के बक्सर में एक बड़ी जोर से चर्चा चल रही है कि आप राजनीति में बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैरकानूनी है, ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं पूरी तरह। लोकसभा और विधानसभा दोनों में विकल्प खुला हुआ है बिहार में। आप ऐसा, हमने एक सवाल बोल दिया, राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है, तो लोकतंत्र तो हम लोग सबों के लिए अभिष्ट है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, तो उसमें कोई पदाधिकारी आए तो इसमें क्या अनैतिक है, गलत है या गैरकानूनी है? लेकिन मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें 6 महीना से फैल रही हैं,
और लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन सर, तो मैं पूरी तरह से इसका अभी आज के डेट में, आज की तिथि में ये सच नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।